लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना संकट काल के बीच भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस अपने 15 महीने के कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णय को लेकर भाजपा सरकार पर हावी होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। भाजपा सरकार द्वारा पुजारियों के लिए सेंसन की जाने वाली राशि पर तंज कसते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि पुजारियों के लिए सरकार 8000 करोड़ सेंसन करने की बात कर रही है, जबकि हमने पुजारियों का 3 गुना मानदेय बढ़ाया था। पुजारियों को समय पर मानदेय नहीं मिलने पर हमलावर होते हुए पीसी शर्मा ने कहा कि मंदिर बंद है, फिर भी पुजारियों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने मठ मंदिर के पुजारियों को 10000 रुपये दिया जाने की मांग की थी, जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को मंदिर हो या दूसरे धर्म स्थल के लोगों की सहायता करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पैदल चलता हुआ मजदूर मिल जाए, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी हटा दो राष्ट्रपति की सहायता से, कोई कहीं का भी राज्य हो, क्योंकि ये मजदूर मेहनत कर आज 2 महीने के बाद अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है और रास्ते में उसकी एक्सीडेंट से या दूसरे से मौत हो रही, भूखे मर रहा है, तो खाने पीने को नहीं मिल रहा है। जो NGOs हैं, जो लोग हैं आसपास के, वो लोग मदद कर रहे हैं केवल, और शासन की केवल घोषणाएं हो रही, उसके जेब में मजदूर के पैसा नहीं जा रहा है। उसके जेब में 10000 जाना चाहिए, किसान के अकाउंट में 10000 जाना चाहिए, केवल निरी घोषणाएं हैं। इसका लाभ इमीडिएट अभी नहीं मिल रहा है मजदूरों को, ये हमारा कहना है। और दूसरा एक बात आई है मंदिरों की, 8 करोड़ रुपये सेंसिंग कर दी। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।